हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। वो सवाल है एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्याय नंबर 12 है। अध्याय नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज नंबर 12.3 यानी कि प्रश्नावली 12.3 का मैं आज आपको 14वां सवाल करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था, उसका अब मैं सीधे 14वां क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। 13वां क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व भी करा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, इसको हर कोई स्टूडेंट कर लेगा आसानी से, तो इसलिए मैं उसको मैं नहीं कराने जा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को उसमें कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, और चाहे तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके भी पूछ सकता है कि सर वो सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं वैसे तो मैं 100% श्योर हूँ कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो उसे नहीं कर पाएगा, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं कि इस सवाल में ऐसा क्या खास है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सवाल आपके सामने लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है चित्र में ए बी व सी बी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के दो चाप हैं। इट मींस इन दिस फिगर यू हैव ए बी एंड सी डी, प्लीज लिसन, ए बी एंड सी डी आर टू आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विद द सेंटर ऑफ ओ। इफ द एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड पोर्शन, तो उसके बाद वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, हिंदी मीडियम वाले छात्र समझ सकते हैं कि चाप आपको दो दिए गए हैं ए ओ और आप देख रहे ए बी और सी डी, ए बी सॉरी मैं गलत उल्टा बोल के, चाप दिए गए आपको ए बी और सी डी यानी कि दो आर्क आपको दिए गए ए बी एंड सी डी। ये एक ऐसे दो सर्कल हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं यानी कि संकेंद्रीय सर्कल हैं, वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है यानी कि ओ है। ठीक है, यदि ओ ए बराबर कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश, तो छायांकित भाग का पोर्शन ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग आपके पास है ए बी सी डी, ए बी डी सी बोलिए, ए सी डी बी बोलिए, आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपने इसका एरिया ज्ञात करना है। तो सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि कैसे इसका हमने एरिया ज्ञात करना है, वेरी सिंपल है। आपने क्या करना है, अब ये जो आपके सामने ये जो चित्र बनाया, जो फिगर बनाई है, आपके पास एक त्रिज्या खंड है, एक त्रिज्या खंड है पूरा, देखिए। तो इस त्रिज्या खंड में क्या है, आपके पास ये बड़ा वाला त्रिज्या खंड है, उसके बाद एक छोटा वाला त्रिज्या खंड भी है। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, यानी कि इतने बड़े में से इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमने पहले बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़े में से छोटे घटा देंगे तो ये बचा हुआ जो पोर्शन वो बच जाएगा, उसका ही निकल जाएगा, वेरी सिंपल। तो देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको निकालना है बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए गया, माना बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए हम हमारे पास है A1, ठीक है, और उसके बाद हम छोटे का मान लेते हैं, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मान लीजिए आपके पास है A2। तो आपको जो जो शेडेड पोर्शन है ACDB का, उसको अगर आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको A1 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। चलो हम बाद में कर लेंगे, पहले A1 तो निकाले। अब किसी भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो A1 का माना, A1 की हम बात करें, A1 निकालना है तो A1 बराबर आपको पता है फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में, मेरे हर वीडियोस में जो त्रिज्या खंड वाले सूत्र है उसमें ये वीडियो, ये फॉर्मूला आपको बताया है। अब A1 के लिए देखो, थीटा देखो, A1 ये बड़ा है तो देखो एंगल तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, कोण भाई छोटे वाले का भी 30 अंश हो गया तो बड़े वाले का भी 30 अंश हो जाएगा, तो ये 30 60। पाई का मान 22/7 आपको पता है। अब A1 हम बड़े त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं तो R, उसके लिए R आपके पास 21 सेंटीमीटर हो गया,
तो ये मान लगता रखते जाइए आप, तो 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा गया 21। यहां तक तो क्लियर? ठीक है, तो ये 12 3 36 कट रहा है, ये 6 2 12, ये 11 2 22, ये 7 3 21, ये 3 2 6। तो आपके पास टोटल मिल गया ये 11 इंटू 21, 11 इंटू 21/2। तो इसको थोड़ा सही ढंग से सॉल्व करेंगे तो गुणा कर दीजिए, कोई बात नहीं, 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23/2। ध्यान से देखिए, 11 इंटू 21/2, ठीक है। तो ये आपका बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया 231/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तो आप इधर इसी प्रकार हम निकालेंगे छोटे वाले का, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 2 बराबर, ए टू आपने माना था ना, तो यह फॉर्मूला तो सेम रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दोनों के लिए 30 बराबर रहेगा, 360 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 में रखा, आर स्क्वायर उस छोटे का आर है 7, तो ये आपका 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, इस 7 से पूरा 7 कैंसिल हो गया, ये 12 बार कट गया आपका, ये 6 दूनी 12, ये 11 दूनी 22, तो आपके पास बचा 11 7 77/6। ठीक है, तो यहाँ ये 77/6 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिखना मत भूलिएगा प्लीज, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्षेत्रफल ना सी ए बी डी है ना आपके पास, सी ए बी डी, सी ए बी डी बराबर हो जाएगा आपका a1 - a2। फॉर्म ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि बड़े में से छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो a1 - a2, तो a1 का मान आपके पास आया 231/2 -77/6। ठीक है, इनका एलसीएम होप आपको दिखाई दे रहा हो, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 बार गया तो 3 कम 3, ये 3 3 9, ये 3 2 6, माइनस 1 बार गया तो ये 77। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए आप, 13 में से 7 गया 6, ये बचा 8 में से 7 गया 1, ये 6। ठीक है, तो 6 से 16/6, तो चाहे तो इसको आप काट दीजिए, कट रहा है ये, आप देखिए 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 3 6, और ये 2 8 0 आएगा, 2 8 16, तो ये आगा 308/3, 308/3 वर्ग सेंटीमीटर, या सॉरी वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर है, आंसर है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308/3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप चाहते हो इसको भाग करके पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं, इतने ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा इस पूरे सवाल में आपको एक दो त्रिज्या खंड मिले थे, उस दो त्रिज्या खंड में से बड़े वाले उसमें से छोटे वाले घटा करके आपका जो छायांकित भाग है उसका ये क्षेत्रफल निकल गया। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सवाल कितने सॉल्व, बहुत छोटा सवाल है वैसे, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी कभी कभी आ जाते हैं इस तरह के जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होते, कभी कभी वो भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसलिए आपको इस तरह के सवाल भी करने चाहिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को अगर आपको ये समझ में, तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या मैंने बोला और कहाँ पर क्या मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और जो दोस्त जो व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल पे जो बेल आइकन है यानी कि घंटी का निशान है उसको ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंच जाएगी, आपको पता चल जाएगी हमारी नई वीडियो लॉन्च हुई है। ठीक है, और ऑल पे क्लिक कैसे करना है वो सामने आपको दिखाया, इसलिए रेड सर्कल दिखाया ना, इसी तरह से क्लिक करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।